हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। तो फिर से मैं आपके पास एक लेके आ चुका हूँ, एक डस्टर 2013 मॉडल, थर्ड ओनर, डीजल वेरिएंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका ओवर रिव्यू, कैसा है टोटल अब एक्सटीरियर साइड का। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो, तो गाड़ी का ये था ओवरलुक गाइस। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक अंदर, तो गाड़ी के हम अंदर लेके चलते हैं एक बार। तो मिरर इसके जो अंदर है वो मैनुअल नहीं है, ऑटो एडजस्टेबल मिरर है। जब गाड़ी के अंदर खोलते हैं तो फिर गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और की के साथ अनलॉक और अनलॉक का सिस्टम है। तो गाड़ी का ये सिस्टम देख लो आप, म्यूजिक सिस्टम है गाड़ी में और सीट कवर देख लो आप, बिल्कुल हेडरेस्ट इसके पीछे रखे हुए गाड़ी के। वैसे अंदर से है गाड़ी, आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल न्यू सीट कवर है गाड़ी की, टोटल आप छत देख सकते हो, जेन्युइन है टोटल की टोटल जो भी चीज है अंदर बाहर से। और आप एक और नोटिस करो, गाड़ी है ना, गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन जेन्युइन पेंट। क्या होता है कि जो आज लग कंपनी से पेंट आया ना वही की वही है, पीछे भी देख सकते हो आप गाड़ी में अंदर मैट वगैरह और ये पीछे सीट का। और ये डिग्गी देख लो, बूट स्पेस कितना, ये इसके फूट रेस्ट रखे हुए हैं हमारे पीछे से। तो गाड़ी है तो आप देख सकते हो गाइस, और आप देख लो कोई गड़ावट नहीं है गाड़ी में, यहाँ भी देख सकते हो। तो एक बार मैं बंद करके गाड़ी के और टायर की कंडीशन देख लो भाई, ये टायर की कंडीशन है और यहाँ से गड़ावट, कोई गड़ावट नहीं है गाड़ी में, 1% भी जन्म जो नंबर है ना ये है चंडीगढ़ का। तो पीछे से बूट स्पेस देख लो आप, गाड़ी जेन्युइन चली हुई है, 1.5 लाख समथिंग कुछ जेन्युइन चल रही है गाड़ी, और ब्लोवर चल रहे हैं देख लो, आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे टोटल की टोटल। और एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ, ये गाड़ी का बूट स्पेस, ये फूड रेस्ट रखे हुए गाड़ी के जो फ्रंट वाली ड्राइवर कंडक्टर साइड के, और पीछे फूड रेस्ट इस गाड़ी के, ये देख सकते हो आप गाइस। तो ये चीज़ है। तो एक बार मैं आपको चारों साइड दिखा देता हूँ, ये होगी डस्टर की बेजिंग है, नंबर 70 है, और ये देख लो आप पूरी अंदर कागज वगैरह, आप डैशबोर्ड कंपनी है, म्यूजिक सिस्टम चलता है सारे के साथ टोटल की टोटल। और ये बटन बाहर आया होगा, तो ये हैंड ब्रेक भी सब काम है, और इसमें फिटिंग हुई है सारी की एम्प की, जो एम्प साथ में नहीं है इसकी गाड़ी के। तो एक बार सारों टायर की कंडीशन, तो ये गाड़ी का बोनट है जो प्रेशर के साथ खुलता है, और साथ की सारी चीज़ है, ये भी देख लो पिलर जेन्युइन पिलर है, और ये साथ के सब चीज़ हर की। तो देखो रस्टिंग हो जाती है ये, तो ये कोई मैं नोट नहीं करती, आप इंजन देख लो, सील्ड इंजन है बिल्कुल, 85 PS है, RXL है, ये रेनॉल्ट की बेजिंग है, और ये जेन्युइन वो है बम्पर बोनट। तो ये एक बार मैं स्टार्ट करके और दिखा, ये था ओवरलुक गाड़ी का। तो आप देख सकते हो कैसी कंडीशन थी गाड़ी, कैसी नहीं, तो मैंने आपको दिखा। तो गाइज मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँगा आपके पास, पर एक एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि सारी वीडियो कंप्लीट गाड़ी दिखाई जाती है इस वीडियो में, तो टोटल की है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज, वेलकम।